हे गाइस, मेरे दोस्तों, वेलकम टू माय इंस्टाग्राम। आप सोच रहे हो कि आज राखी रो नहीं रही है और आज राखी हंस रही है। माँ का आशीर्वाद साथ में है। आज मेरी माँ को 1 महीना पूरा हो गया। 3 बजे मेरी माँ के प्राण चले गए थे और माँ साथ है। माँ मुझे हर वक्त प्यार करती है, आशीर्वाद देती है। एक बैड न्यूज़ सुनाने के लिए आपको सबको लाइव आई हूँ मैं। अभी अभी पता चला है कि आदिल जो है वो रोशन नाम नहीं लेना चाहिए, ईरानी लड़की के साथ जो उनका धारा 376 में जो हुआ है, मुझे कहना नहीं चाहिए रेप केस में, तो पुलिस स्टेशन में उसे बुलाया है और उसे मस्का लगा रहा है कि मैं राखी को डाइवोर्स दे रहा हूँ और तुमसे शादी करूंगा तो तुम केस वापस ले लो। मुझे पुलिस स्टेशन में बुला के मैसूर में ओशिवारा में बोला कि मैं वो पति चोर लड़की को और ईरानी लड़की को और हर दुनिया की हर लड़की को छोड़ दूंगा और सिर्फ तुम्हारे साथ घर बसाऊंगा। ओ माय गॉड, आदिल यू आर फुलिश। आदिल तुम बहुत गलत कर रहे हो। आदिल तुम हर औरत को यही कहते हो। आदिल स्टॉप, तुम जेल तक पहुंच गए। हर औरत को बेवकूफ बनाना बंद करो, इंक्लूडिंग योर वाइफ। अच्छा, कोई भी लड़की तुमसे शादी करेगी, मैं तो डाइवोर्स दूंगी नहीं, मैं तो डाइवोर्स दूंगी नहीं। आप कैसे शादी कर सकते हैं? आप शादी कीजिए, मैं आप एक सू पे सू करूंगी, केस पे केस ठोकूंगी। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का और एक डिचिंग टू वाइफ और एक कोर्ट मैरिज की। आपने सिर्फ मुझसे निकाह नहीं किया है, कितना सताओगे, मार डालोगे। इसका खून कर दिया आपने, दिल का, जिंदगी का भी करोगे क्या खून? बर्बाद तो तुमने मुझे हर जगह से कर दिया है, मेंटली, फिजिकली, दिल से, पैसों से, हर जगह से आपने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं, मेरी माँ का और परमेश्वर अल्लाह का आशीर्वाद है, तुम जितना मुझे गिराओगे मैं उतना ही उठूंगी। ये देखो मेरी दीदी, सिस्टर, मेरी बहन यहाँ है। हाय एवरीवन। कितना उठूंगी मैं बताओ? जितना उसने इधर सहा है ना, वो सब वो भूल जाएगी। खुदा उसको सपोर्ट करेगी और वो बहुत आगे जाएगी। सुना आपने, मैं उठूंगी क्योंकि एक ही बार गिरूंगी वो कब्र में। वो बोलते हैं ना, एक ही बार इंसान को जाना है इस दुनिया से। मैं, तुम जितना मुझे गिराओगे आदिल, मैं उतनी ही हिम्मत करके सुबह उठती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ। कज़ा की अगर रात को भूल गई हूँ तो मैं नमाज पढ़ती हूँ क्योंकि तुमने मुझे इस्लाम कबूल कराया है। तुम गलत हो लेकिन इस्लाम तो बहुत पावरफुल है। अल्लाह खुदा मुझे पावर देगा। सुबह मैं प्रेयर भी करती हूँ, जीसस को भी मानती हूँ, जितने भी आसमानी खुदा है उन सब को मैं प्रेयर करती हूँ और मुझे ताकत मिलेगी। रोना बंद राखी, रोना बंद। एक ऐसे इंसान के लिए रोना नहीं है जो तुम्हें मारना चाहता है, गाड़ना चाहता है। उठ राखी, सरदेश की लड़कियां, दुनिया की लड़कियां तुझे देख रही है। अपने प्राण नहीं त्यागने, दूसरों के लेने हैं जो तुम्हें डुबोना चाहता है। उठ, दुबई में हूं मैं, दुबई में मेरी एकेडमी स्टार्ट हो रही है, दुबई में आई हूं। देविका आफ्ताब भाई मेरे पार्टनर है, बहुत ही हिम्मत करके यहां पे आई हूं। उसको मुंबई में व्हाट इज दिस बस कर, अच्छा हाँ, वो मुझे, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे मुंबई पुलिस तो छोड़ दो, अभी ओशिवारा पुलिस तो छोड़ दो, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया उनको, मैं थक गई। मैं चिल्ला चिल्ला कर, आदिल के फोन कहाँ है, आदिल के फोन कहाँ है, उन्होंने नहीं ढूंढे ओशिवारा पुलिस। ओ माय गॉड, अरे तुमने मेरा एक केस मेरा सॉल्व कर देते ईमानदारी से। आई फील सैड। हाँ, इंक्वायरी नहीं करी, कुछ नहीं किया, मेरा बैंक स्टेटमेंट जो मेरा पैसा लिया वो भी आपने इंक्वायरी नहीं करी, और शिवारा पुलिस स्टेशन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप उसके फोन ढूंढ के भी नहीं लाए। ओहो, ऐसा क्या किया उसने, आपने उसको बाइज्जत छोड़ दिया, कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया। वाओ, अरे मुझ जैसे सेलिब्रिटी को आपने इंसाफ नहीं दिलाया, नॉर्मल लोगों को क्या दिलाओगे रे तुम लोग? यही भुगतना है, यही भुगतना है।
हर इंसान को, खाकी हो या खादी, यही भुगतना है. ऑलवेज रिमेम्बर, यही भुगतना है. मेरे लिए सबूत नहीं लाया ना, खुदा लाएगा मेरे लिए सबूत. कुछ नहीं कर पाए ना तुम लोग, कुछ नहीं कर पाए ना. उसकी बातों में आ गए, उसकी हर चीजों में आ गए. कैसे पटाया आप लोगों को उसने, कैसे पटाया, कैसे पटाया, पट गए. नहीं लाए उसका फोन ढूंढ के. हमारे वीडियोस, गंदे वीडियो मेरे और भी लड़कियों के गंदे वीडियोस, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. बहुत विश्वास है मेरा परमेश्वर में, बहुत विश्वास है मेरा खुदा में. तुम सब एक तरफ, खुदा एक तरफ. वो फोन ढूंढ के लाएगा मेरा खुदा. मैं नमाज पढ़ रही हूं, मैं प्रेयर कर रही हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, उसके फोन मिल जाए, फोन मिल जाए उसका. पुलिस तो ढूंढ के नहीं लाई, लेकिन अभी भी मुझे मैसूर पुलिस पर विश्वास है. कहीं एक होप, आई क्रॉस माई फिंगर, कहीं एक होप है. मैसूर पुलिस, एसीपी, डीसीपी, उसकी बातों में मत आओ, बातों में मत आओ. उसका फोन ढूंढो तो हमारी जिंदगियां बच जाएगी, वरना हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि वो दुश्मनी तो डेफिनेटली निकाल देगा. देखना चाहोगे मेरी वीडियो कैसी बनाई है? मुझे अधिकार नहीं है मेरे इंस्टाग्राम पे हर चीज पोस्ट करने की. कितने पैसों में बेची अपनी बीवी? अरे अपनी बीवी को नहीं छोड़ा उसने, अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, दूसरी लड़कियों को कहां छोड़ेगा. हां मैं फातिमा हूं, मैं स्ट्रांग रहूंगी, मैं गिड़गिड़ाऊंगी खुदा से. इसका असली रूप बाहर आए. उन लड़कियों को बर्बाद किया है. मैं तो बाहर आ गई हूं. शादी करोगे? हेलो, ईरानी लड़की से शादी करोगे? पहले मुझे डाइवोर्स कहता है कि ईरानी लड़की को कहता है आप केस वापस ले लो रेप का, मैं आपसे शादी करूंगा, राखी को डाइवोर्स दूंगा बाहर जाके. अच्छा इतना आसान है मेरे से डाइवोर्स? तुमने सिर्फ निकाह नहीं किया है, कोर्ट मैरिज भी किया है, रजिस्टर मैरिज. मैजिकल बहुत हंस रहा है, मैजिकल बहुत हंस रहा है, हंस हंस. खुदा ना करे, हम तेरे को दुआ करते हैं, खुदा ना करे तुझ पर ये जुल्म हो. मुझ पर बहुत जुल्म हुए हैं. अच्छा, उसके लोग, बहुत सारे उसके लोग जो है वो मैसेज कर रहे हैं, कोई बात नहीं. हाँ, जहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव तो रहते ही ये लोग, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. दुबई में हूं, लाइव आई हूं ये बताने के लिए कि ये चीज हुई है. कानून से अभी भी मेरा विश्वास गया नहीं है. मैसूर पुलिस, उसको यहां की पुलिस, मुंबई वोशिवारा की पुलिस ने तो उसको छोड़ दिया. क्यों छोड़ा, क्या दिया ऐसा लॉलीपॉप, या ऐसा क्या दिया? अब ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है. आई फील सैड. मैं फिर से एक बार लाइव आऊंगी, क्योंकि मेरी ऑफिस में हूं मैं, एंड मैं फिर से एक बार लाइव आऊंगी, है ना. बहुत दर्द में हूं. तुम मुझे गिरा दिए आदिल, पैसों से, हर चीज से. मैं उठूंगी फिर से, दुबई में हूं, हर जगह एकेडमी वर्ल्ड में खोलूंगी, उठूंगी, क्योंकि एक ही लाइफ है, एक ही सूरज, एक ही चांद, एक ही खुदा, वो मुझे उठाएगा. चलो वाहिद भाई, सलाम अलैकुम वाहिद भाई. वाहिद भाई कहता है आदिल वो ईरानी लड़की से के, गिव मी टू मिनट्स, कहता है ईरानी लड़की से कि मैं राखी को डाइवोर्स दे रहा हूं बाहर जाके. अच्छा आजा, आजा आदिल, डाइवोर्स दे मुझे, मैं यहां इंतजार करके बैठी हूं. और ईरानी लड़की को लॉलीपॉप दे रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा. मुझे कहा गया ईरानी लड़की को पैसे से खरीदूंगा, शादी के वादे से और कहीं जाके मैं उसको कर दूंगा. अब ईरानी लड़की को सोचना है कि ऐसे आदमी से वो शादी करेगी. बहुत अच्छे हैं शाश्वत भाई. जितने लोग फालतू लोग जो मेरे यहाँ पे हंस रहे या बकवास कर रहे, उनको ब्लॉक मार दो, मुझे नहीं चाहिए कोई. खुदा ना करे आपकी बहन की जिंदगी में कभी ऐसा हो जो मेरे साथ दर्द हुआ है, किसी भी लड़की के साथ ना. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन.